नमस्ते। तो आज हमारे साथ है राकेश चंद्रा जी, जो एक ऑथर, फिलोसोफर और मोटिवेशनल स्पीकर है। आज हम उनसे जानेंगे मेडिटेशन के बारे में। तो सर, आपके विचारों में और आपके मोटिवेशनल स्पीचेस में आप मेडिटेशन का काफ़ी जिक्र करते हैं, तो मेडिटेशन आपके लाइफ में क्या मायने रखता है? थैंक यू, आपने यह क्वेश्चन किया है। मेडिटेशन एक बहुत ही गहराई तक छूने का जरिया है किसी भी ह्यूमन का, और मेडिटेशन के साथ अगर मोटिवेशन हो तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जब मेडिटेट करते हैं, जब ध्यान करते हैं, जैसे ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ में, हिमालय पे चले जाएं या कहीं, आप चलते फिरते यहां भी आप ध्यान कर रहे हैं। तो मेडिटेशन में इसलिए ऐड करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस बढ़े, और जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं खुद के बारे में तो आप एट प्रेजेंट में एक्ट करते हैं, राइट नाउ। आप शब्दों से चाहे जितना भी बोल दें, एक ह्यूमन का माइंड में एक दिन में 64,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन मेडिटेशन उस सारे थॉट्स को कंट्रोल करने का एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन है, और आपको अवेयर करने में, प्रेजेंट में रहने में, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें बीइंग, नॉट फोकस्ड। बीइंग का अर्थ होता है कि आप वो काम ही बन जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो हर इंसान को मैं सजेस्ट करता हूं कि आप मेडिटेशन को एडॉप्ट करें। मोटिवेशन है, लेकिन मोटिवेशन विथ मेडिटेशन अगर होता है तो इट विल गो इन ए नेक्स्ट लेवल। सो सर, अभी आपने मोटिवेशन और मेडिटेशन की बात की, पर हम देखते हैं कि आपके चैनल पे म्यूजिक वीडियोस भी है, तो वो क्या है? इसको समझने के लिए थोड़ा आपको साइंटिफिकली भी समझना होगा। पश्चिम का एक चिकित्सक हुआ पैरासिलेसिस, करीब 500 ईयर्स बैक, जब वो किसी मरीज को इलाज करता था तो पहले वह देखता था उस मरीज का नक्षत्र, ग्रह, किस समय में वो पैदा हुआ। इसको समझने के लिए पैथागोरस नाम का एक विचारक, जो यूनान का था, उसने एक यात्रा किया इजिप्ट और भारत की, और जब भारत और इजिप्ट का यात्रा करके अपने देश जब गया तो रिसर्च में यह लेकर के आया कि पूरे ब्रह्मांड में जितने नक्षत्र, ग्रह और उपग्रह जो हैं, वो घूम तो रहे ही हैं, लेकिन उसका एक हार्मनी है, एक म्यूजिक है, उससे संगीत निकलता है, आवाज है, और सभी का सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल साउंड है, लेकिन वो कंबाइंड होकर के एक म्यूजिक बनता है, म्यूजिक की तरह, जो हमारे ईयर उसको एडॉप्ट करने में कैपेबल नहीं है। अगर वो एडॉप्ट करेगा तो हम लोग एक ह्यूमन नहीं रहेंगे, मतलब उसको, हम लोग का एक दायरा है। जैसे फीवर होता है तो 98 से 10 डिग्री, 110 डिग्री तक का, अगर 111 हो जाए तो मर जाएंगे। उसी प्रकार से इस यूनिवर्स में एक संगीत हो रहा है। तो पैथागोरस ने एक सिद्धांत दिया था, प्लेनेटरी हार्मनी, ग्रहों का भी एक संगीत है। जब नक्षत्र चलते हैं, ग्रह चलते हैं और उपग्रह चलते हैं, ये सबका जो है एक म्यूजिक पैदा होता है, और हर एक इंसान के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है उस म्यूजिक को। तो जब हम ओशो का बुक स्टडी कर रहे थे या करते हैं, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा ये शब्द और ये चीज हमको, जो हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, उनके प्रति कृतज्ञ हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए अब जो भी हम थीम देने वाले हैं मोटिवेशन में, सेमिनार्स में, और लोगों को, पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं कि मोटिवेशन विथ मेडिटेशन विथ म्यूजिक, 3M, जो कि हमारे चैनल से सारे देशवासियों को और पूरे दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए। 3M कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन विथ मेडिटेशन विथ
म्यूजिक। तो हमारा इसमें ये तो कनेक्शन हो ही रहा है, इसके अलावा जो हो रहा है मेरा माइंड सोल और बॉडी हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। मेडिटेशन इज नथिंग बट ए कंट्रोल योरसेल्फ। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि म्यूजिक से परे हो सकता है। जो म्यूजिक से परे हो सकता है मींस दे आर सिक पर्सन, वो गंभीर लोग है, एक बीमारी है इस धरती का, तो उसके अंदर गंभीरता आ जाएगी। उस गंभीरता को ब्रेक करने के लिए 3M फॉर्मूला दे रहा हूं, मेडिटेशन विथ मोटिवेशन विथ म्यूजिक। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। मैं दुनिया को प्लेनेटरी हार्मनी जो पाइथागोरस ने सिद्धांत दिया है उसे 3M के माध्यम से देना चाहता हूं, मोटिवेशन विथ मेडिटेशन विथ म्यूजिक। और इसे यूं भी कह सकते हैं मेडिटेशन विथ मोटिवेशन विथ म्यूजिक। ये 3M कॉन्सेप्ट जो भी इंसान अपने जीवन में लागू करेगा वो कभी भी अपने आप को अनकंट्रोल नहीं होने देगा, दे विल कंट्रोल हिमसेल्फ। दिस इज बिगेस्ट मोटिवेशन इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू। सो सर, फ्रीक्वेंसी, म्यूजिक, ये सारे टर्म्स तो सुने थे, बट माइंड बॉडी एंड सोल पे क्या इफेक्ट होता है वो आज पहली बार आपसे सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच इसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सो सर, योगा इंडिया में अभी बहुत फेमस हो रहा है, तो योगा एंड मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोगों को यह भी समझ लेना चाहिए कि योग और मेडिटेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। योग जो होता है वो कंप्लीट जो ह्यूमन बॉडी है उसको कंट्रोल करता है, उसको उसके सारे निगेटिविटी को बाहर निकालता है, फिर मेडिटेशन में प्रवेश करता है। जो मेडिटेशन करता है उसको योग भी किसी न किसी हिसाब से करना पड़ता है, वो प्रथम चरण है वो। और मेडिटेशन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बॉडी माइंड और सोल, बॉडी और माइंड को योग कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो लास्ट फाइनल चरण है उसके लिए मेडिटेशन ही एक जरिया है, दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप ऐसे समझे कि कोई योग कर रहा है और वो शीर्षासन कर रहा है, तो शीर्षासन करने से उसके बॉडी तो कंट्रोल हो रहे हैं लेकिन माइंड और सोल वो कंट्रोल नहीं हो, उसके लिए फिर मेडिटेशन में जाना होगा सेकंड चरण। और जो फाइनल जिससे कनेक्ट होती है बॉडी सोल माइंड, उसके लिए आपको मेडिटेशन ही करना होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों। तो सर, मैंने आजकल यूट्यूब पे या रील्स पे बहुत देखा है कि लोग डीजे या ट्रांस म्यूजिक लगा के वर्कआउट करना प्रेफर करते हैं, तो आपका इस बारे में क्या राय है? आपने पूछा राय, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ भी राय मैं नहीं दे रहा हूँ, जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वॉट एवर आई एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटेड देन फील देन आई एम शेयरिंग। दिस इज द कम्प्लीटली डिफरेंट, दिस इज नॉट ओनली वर्ड, दिस इज नॉट ओनली सब्जेक्ट विच आई लिसन विच आई डिड एंड आई फेल्ट ओके दिस इज द थिंग्स आई एम गेटिंग द एक्सपीरियंस बाय दिस। सो मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ दुनिया को। आपने एक वर्ड यूज किया ट्रांस और म्यूजिक पे जो लोग डांस करते हैं, डांस करके और ट्रांस में अगर वो मेडिटेट हो रहे हैं उसी समय जब डांस करके उसको एक फीलिंग आता है कि हम अब अवेयर हो रहे हैं अपने आप को, जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा माइंड कहीं और है, उसे पकड़ पाना बहुत ही सूक्ष्म चीज है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो ये जनरेट होता है कैसे, जब हम म्यूजिक पे डांस करते हैं तो पहला लेवल ब्रेक होता है, बॉडी का जो निगेटिविटी है वो ब्रेक होता है। ट्रांस में फिर क्या होता है कि हमारे माइंड तक वो फ्रीक्वेंसी जाता है। बार बार मैं बोल रहा हूं कि बॉडी माइंड देन सोल। तो जब वो लोग मेडिटेशन के व्यू से अगर उसको करते हैं तो पहला लेवल निगेटिविटी जो बॉडी का जितने सारे विकार है वो निकालते हैं,
फिर ट्रांस में माइंड और सोल को कनेक्ट करने की एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए कॉन्शियस होकर के लोग को करना चाहिए। ऐसे ही डांस कर रहे हैं उसमें कोई कॉन्शियस नहीं है, लेकिन अगर कॉन्शियस मेडिटेशन के व्यू से कर रहे हैं तो आपका डांस और जो ट्रांस म्यूजिक की बात किया जा रहा है वो आपको तीनों से अलग करेगा। अब मैं क्या बोला हूं कि बॉडी माइंड एंड सोल को कनेक्ट, लेकिन मैं चौथी बात कर रहा हूं, बहुत ही सूक्ष्म बात कर रहा हूं कि जब आप अवेयर होने लगते हैं तो आपका बॉडी और विचार जो माइंड से आते हैं, जो भाव जो होता है, फीलिंग, ये तीनों से आप अलग होकर के सोल देखता है कि मैं क्या कर रहा हूं। देन यू आर फीलिंग आई एम वॉचर, यू आर नॉट वॉचिंग, यू आर बिकम ए वॉचर। मतलब आप अपने आप को देख सकते हैं कि ये एक बॉडी काम कर रही है और मैं इतना अवेयर हो गया हूं कि अब हम उस सारे चीज को देख सकते हैं, वो ट्रांस से पैदा हो सकता है व्हेन यू आर डूइंग दैट। तो ये डिफरेंस। तो सर हमने देखा कि आपके चैनल पे मोटिवेशन है, मेडिटेशन है, मोटिवेशनल म्यूजिक भी है, तो अभी आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? आप इतनी वैरायटी दे रहे हैं हमें। मैं जो काम कर रहा हूं वो वन डायमेंशनल काम नहीं कर रहा हूं, मल्टी डायमेंशनल। मतलब एक लोग जब चैनल जाएं आज के 5 साल के बाद तो एक ऐसा विरासत उसमें नजर आए जो सिर्फ मेरा ना हो, ये पूरे भारत का और पूरे दुनिया के लिए हो, यंगस्टर के लिए हो। और जब मैं ये बात करता हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा भविष्य क्या है, तो मेरा जो थॉट है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ और दुनिया को भी शेयर कर देता हूँ कि कोई भी फिक्स एक लक्ष्य को लेकर के नहीं चल रहा हूं। मैं इतना ही मानता हूं कि यूनिवर्स का इस अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा हूं और वो जहां ले जा रहा है मैं उसके साथ फॉलो कर रहा हूं। दिस ऑल इज नॉट आई एम डूइंग दिस, एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर इवन आई डोंट नो। इवन आई एम सिटिंग ओवर हियर विदाउट एनी प्लान, आई एम हियर, नो प्लान। सो देयर इज नो प्लान फॉर फ्यूचर। वेयर एवर द यूनिवर्स विल टेक, आई एम रेडी टू फ्लो विद दिस इनवर्स फ्लो। सो राकेश जी, आपसे आज मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली, मोटिवेशन, मेडिटेशन और बहुत कुछ नया नया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग के प्यार के कारण हम लोग सभी मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को एक नई दिशा दे रहे हैं। आज मैंने जो दिया है 3M फॉर्मूला, आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। यंगस्टर को हमेशा याद रखना चाहिए, लिविंग लाइफ इज एन आर्ट, जीवन जीना एक कला है, और अगर तुम सीख लिए तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। यू विल बी द विनर ऑलवेज इन।